hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i'm back with another video so today we are going to have discussion on the mcqs for semester one uh, the subject is commerce paper one and this will be the mcqs for the year 2020-21 as all of you are aware about that एग्जाम विल बी इन द पैटर्न ऑफ एमसीक्यूज तो आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो एमसीक्यूज पैटर्न में होगी और यह एमसीक्यूज पैटर्न में थियोरी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाएगा इसके लिए ये आपको साइड बाई साइड अभी जो मैंने इस चैनल के बेसिस पे शुरू किया है तो आपको यह एमसीक्यूज मिलने वाले हैं रेगुलर बेस पर ताकि आपके सारे कंसेप्ट भी साइमल्टेनियसली रिवाइज हो सके तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज अगले बार से जब वीडियो डालूंगा तो प्रॉपर आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो और आपको इसका एडवांटेज मिल सके तो आइए शुरू करते हैं आज का सेमिस्टर वन का एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का सीरीज लेक्चर वन क्वेश्चन नंबर वन डैश कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इज कंसर्न विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडर्न कंसेप्ट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट या प्रमोशन तो कौन सा कंसेप्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करता है तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मॉडर्न कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो दी है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को दी गई है अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको हंड्रेड प्रॉफिट होगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो बढ़ते जाएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैश रेफर्स टू रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बिजनेस सेक्टर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन या मिक्स इकोनॉमी देखो ये जो कंसेप्ट है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था एंड दिस इज नथिंग बट एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में इकोनॉमी में ड्रास्टिक चेंज आया और ड्रास्टिक चेंज आने का रीज़न था एलपीजी मॉडल दैट इज़ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो यहाँ पे पूछा है डैश रेफर्स टू रिडक्शन ऑफ़ गवर्नमेंट कंट्रोल तो पहले क्या था 1991 के पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा था लेकिन 1991 के बाद प्राइवेट बॉडीज को भी बिजनेस में लाया गया प्राइवेट लोग भी अपना इंस्टीट्यूशंस भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे और गवर्नमेंट की कंट्रोल जो थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई अगर गवर्नमेंट की कंट्रोल कम हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे लिबरलाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन क्वेश्चन नंबर थ्री डैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस यूनिट सर्विस प्रॉफिट राइट प्राइस राइट प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विद मनी तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रॉफिट तो प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजीज इज एन एलिमेंट ऑफ डैश एनवायरमेंट एनालिसिस इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनेशनल या नेशनल तो कॉम्पिटिटर्स के बारे में अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज़ को हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करते होंगे तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस तो उसे क्या कहा जाएगा उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं डैश एक्ट एज अ रेफरेंस गाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ़ द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बैंक रिपोर्ट लीगल रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो रेफरेंस गाइड की बात कर रहा है कि जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो रेफरेंस गाइड किसे लेके चलेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम हमारा रेफरेंस गाइड लेके चलेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से हम अचीव कर पाए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं डैश एग्रीमेंट इज कंसर्न विद लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रिप्स ट्रिम्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो इसका राइट right आंसर है इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पहला जो था दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सेकेंड इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेशर्स एओ का एओ ए का मतलब है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डब्ल्यू टी ओ के बहुत सारे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर्स है और एमओ ए तो इसका राइट right आंसर हो नहीं सकता दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो है नहीं तो राइट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है तो राइट right आंसर है ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेशर्स क्वेश्चन नंबर सेवन डैश स्कीम इज स्पेशली मीनड फॉर वुमेन एंटरप्रिनर्स तो वुमेन एंटरप्रिनर्स के लिए इनमें से कौन सी स्कीम है डी बी के एम डी ए टी आर ई ए डी डी आर ई ए डी तो ध्यान रखना थोड़े से एब्रीवेशन है तो राइट आंसर इसका है टी आर ई ए डी ट्रीड जो स्कीम है वो स्पेसिफिकली वुमेन एंटरप्रिनर्स के लिए ही बनाई गई है क्वेश्चन नंबर एट पिच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात कर रहा है इकोनॉमिक सोशियोग्राफिक डेमोग्राफिक इंटरनेशनल तो पहला है सोशियोग्राफिक डेमोग्राफिक इकोनॉमिक या इंटरनेशनल तो अगर आप ध्यान रखें तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरमेंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस शुड बी डैश इन नेचर रिजिड डिपेंडेंट फ्लेक्सिबल कंफ्यूजिंग काफी इजी क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया था तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक और टाइम बाउंड तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पे बोला है रिजिड होना चाहिए नहीं डिपेंडेंट फ्लेक्सिबल कन्फ्यूजिंग तो इसका राइट right आंसर है ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर कंपनीज़ इंटीमेट डीन डीन का मतलब होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हर डायरेक्टर्स को डीन लेना कंपलसरी होता है बिकॉज जब तक उसके पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा तब तक वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा कंपनीज इंटीमेट डीन टू आर ओ का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेकेंड ऑप्शन इज डायरेक्टर्स थर्ड इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट या फोर्थ इज शेयर होल्डर्स तो जो कंपनीज़ होते हैं उनको इंटीमेट करता करना पड़ता है डिन आर ओ सी के पास तो आर ओ सी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास डिन नंबर देना कंपल्सरी बन जाएगा तो डेट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो सो so, आज हमने जो पढ़ा है उसमें हमने काफ़ी सारे एम डिस्कस किए हैं तो यह है एम सी क्यूज़ को प्रिपेरेशन करके रखना ध्यान से इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होने वाले हैं और इसका कंबाइंड पीडीएफ मैं टेलीग्राम के चैनल पे शेयर करूंगा तो आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें लास्ट मिनट रिविजन भी दारे से और वहाँ पर आपको सारे पी फ्री में मिलेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में आप भी शेयर करें सो दैट उनको भी इनका बेनिफिट मिल पाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन एज ऑलवेज़ वर्क हार्डर बी स्मार्टर